सुबह सुबह मतलब सारा मुझे पता होता ना, अगर गेट खोलने से पूरा डब्बा ही उठा के ले गया आटे का, मुझे पता होता अगर सुबह सुबह ही अटैक कर देंगे तो खोलते ही नहीं गेट को, सारे चावल फैला दिए, सब कूड़ा वूड़ा फैला दिए सब। तो ये आलू उबले हैं, अब ये छीन लें आलू, आज बनेगा सैंडविच। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग। अब सिस्टी देखो, सुबह आज जल्दी सुबह सुबह 5 बजे उठी और मैं काम कर रहा था लैपटॉप ऑन करके, तो बोलती है आप क्या कर रहे हो, ये अभी अभी तो रात हो रही है, अभी आप मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ गए। मैंने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, रात हो रही है, वो सुबह हो रही है। कह रही नहीं रात हो रही है, रात को कोई काम करता है क्या इतनी रात को। सुबह हो रहे थे, 5 बज रहे थे। सो आज आज का जो भी रूटीन रहेगा वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है कौन सा काम पहले करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। मेरे भी कंफ्यूजन है, जो काम क्या करूँ। ओके, फिर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। सो अभी मैंने इनको ड्रॉप करके आया हूँ, और आज ना सुबह सुबह बंदरों ने आतंक मचा दिया। मैंने थोड़ी देर के लिए गेट खोल के रखा था, मैंने कहा फ्रेश एयर आएगी मॉर्निंग में, सुबह सुबह अच्छा रहेगा। मैं अंदर बैठ के काम कर रहा था एडिटिंग, और सुबह सुबह खटपट खटपट की आवाज़ आ रही, मुझे लगा रेनू है किचन में काम कर रही होगी, रेनू को लगा कि मैं हूँ। बंदरों ने पता नहीं किचन के पूरे पूरा रैक वैक ओपन करके देखे हैं, ठीक है, सारा सामान वान निकाला है, आटे का डब्बा ले गए उठा के, चावल फैला दिए, टमाटर खा लिए, डस्टबिन पूरा फैला दिया, बुरा हाल कर दिया आज। आज तो इससे पहले तो कभी ऐसा ही नहीं हुआ इतना ज़्यादा, क्योंकि आज उनको पूरा पूरा टाइम मिला था। वैसे तो हम बाहर ही बैठे होते थे तो देख लेते थे, इस बार तो मैं कमरे में था और वो पीछे की तरफ बिल्कुल सो रही थी, उधर जाके पीछे कॉर्नर में वहीं पे बेड लगा हुआ है, तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। और आज इतना बुरा हाल कर दिया बंदरों ने, चलो छोड़ो। और आज मुझे जाना है इंटरव्यू पर, एक जगह से मुझे कॉल आई थी, आर्ट टीचर ही हैं वो, स्कूल में है, तो उन्होंने ही बताया था कि अभी एक जगह वैकेंसी है, आप चले जाओ। लेट्स सी, मैं देखता हूँ अभी जाके, आगे का जो होगा देखा जाएगा, जो भी बिजी शेड्यूल है जो भी है वो आगे प्लान करूँगा। पहले जॉब तो हो, मैं सोच रहा था कि पहले जॉब हो जाए, जॉब होगा तो बहुत सारे काम हैं जो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन पे डिपेंड होते हैं मोस्टली। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या चीज़ होती है क्या होता है, जॉब तो करनी पड़ेगी ना। तो व्लॉग्स वगैरह का जो भी होगा मैं देखूँगा कि कैसे सेटअप करूँगा, लेकिन व्लॉग्स भी बनाऊँगा, डोंट वरी। देखो गिलहरी इधर उधर फुदक रही है सुबह से, ये इसको देख रहा हूँ मैं, सुबह से देख रहा हूँ, एक उधर है एक इधर है। अरे तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे, मैं आ रहा हूँ अपना आटा खाने में लगी हुई है, देखो बंदर सुबह आटा फैला के गए थे वही खा रही है ये, आजा आजा। हाँ हाँ हो गई फ्रेश, हो गई हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, ब्रश लगा के नहीं गया, अभी अभी लगा देता हूँ ना, फिर मैं लॉक करके गया था ना, बाहर आओगे तो बंदर देख लेंगे, बंदर काट लेंगे तो आपको, अंदर तो सेफ तो रहोगे कम से कम, इसलिए ब्रश लगा के नहीं गया मैं। चलो मैं अभी दे देता हूँ, ब्रश लो, ब्रश करो जल्दी से फटाफट से। तो फाइनली गाइस अब जाके व्लॉग सेव हो रहा है, और ये तकरीबन 18 मिनट का होगा आज का व्लॉग, मतलब ये वाला व्लॉग, और अब बज रहे हैं 10:13 हो रहे हैं। तो आज का व्लॉग अब ये एडिट हुआ है और अब सेव हो रहा है, अब इसको फिर अपलोड करूँगा, देन उसके बाद निकलूँगा नहा धोकर। सो गाइस अभी मैं रेडी होके निकल चुका हूँ, और इसको ले जाना तो साथ में ज़रूरी है, अब इंटरव्यू पे तो इसको साथ में ले नहीं जाऊँगा तो इसको कहाँ पर छोड़ूँगा। अब थोड़ी देर के लिए इसको इसकी मामा के पास तो छोड़ नहीं सकता और कहीं ड्रॉप कर नहीं सकता, तो इसलिए साथ में लेके जाना पड़ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं वहाँ पर क्या रहता है, इसको थोड़ा इन्वॉल्व कर दूंगा किसी जगह पर किसी चीज़ पे, मतलब वहाँ पे, हालांकि मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो स्कूल में तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो
बच्चों के गेम वगैरह के लिए होती है, अगर मे भी पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर कर दूँगा ऐसे ही, नहीं तो देखते हैं सब, क्योंकि जहाँ हम कोशिश करते हैं ना वहीं पर हमारे लिए आगे से आगे चीज़ें, क्या पता हमारे लिए कुछ बेटर प्लान करने की कोशिश हो, तो इसलिए लेट्स सी जो भी होता है ना, मैं आगे प्लान मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जो भी है अगर क्या पता यहीं पर कुछ सेटअप हो जाए, कुछ अच्छी चीज़ हो जाए, तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचता, पॉजिटिव ही सोच के आगे चलता हूँ। देखो मैंने सिम से ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक रिबन और ब्लैक पजामी और ब्लैक हेयर और ब्लैक हेयर तो ब्लैक ही होते हैं और ब्लैक सैंडल, ब्लैक सैंडल हेयर तो ब्लैक ही होते हैं। हाँ तो ब्लैक कॉम्बिनेशन है ना, तो अच्छा है, बढ़िया है, गुड गुड। चलो मैं नेविगेशन लगा लेता हूँ, क्योंकि नेविगेशन भी फ़ोन में ही लगानी है मुझे। पहुँच तो गए, सिस्टी मेरे साथ में ही है, अब अंदर लेके जा रहा हूँ सिस्टी को स्कूल में। अगर मेरा यहाँ पे जॉब हो गई तो सिस्टी को इसी स्कूल में डाल दूँगा ना। अच्छा। हाँ इसी स्कूल में डाल दोगे? हाँ इसी स्कूल में। पहले से खुला पड़ा है। और शोर नहीं मचाना ठीक है, पहले से खुला पड़ा है। चलो नहीं। मैम ने टॉफी दी, चलो थैंक यू बोला आपने उनको? हाँ भूल गई, बैड हैबिट्स। थैंक यू बोलते हैं ना जब कोई हमें टॉफी देता है या कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं। चलो अब चलो। गलत बात होती है जब कोई हमें टॉफी देता है, चॉकलेट देता है तो थैंक यू बोलते हैं। ओके ओके गॉट इट। तो बात हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, कॉल आता है या नहीं आता है। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, सारा इंटरव्यू हो गया है, क्लियर हो गया है, कोई इशू नहीं है। तो सैलरी का इशू है, इनको जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना दे नहीं सकते, तो मे बी कॉल आएगा, देखते हैं लेट्स सी। ये खड़ी अपनी कार, अब लग रही है भूख। ओ भाई साहब बैठो सिस्टी बैठो। इतनी तेज कौन खोलता है? इतनी तेज नहीं खोलता, वो ढलान में खड़ी है ना गाड़ी, इसलिए एकदम से दरवाजा आपके ऊपर आया है। अब ये टॉफी मुझसे भी शेयर कर दो। चलते हैं, रास्ते में मैं आपको चीज़ दिला देता हूँ ठीक है। चीज़ दिलाने की ज़रूरत है वैसे? टॉफी तो मिल गई आपको? नहीं है ना, नहीं है ना ज़रूरत? ठीक है गुड। चलो टॉफी यहाँ रख दो, यहाँ इसलिए रोकी है, यहाँ पे कुछ काम है, फिर बताऊँगा क्या काम है। जो हमारे स्टूडियो में पानी आता है ना उसकी कंप्लेंट के लिए आए हैं, कंप्लेंट करेंगे ना, ये कंप्लेंट ऑफिस है ये हमारे एरिया का। टच नहीं करना, चलो इधर चलो चलो चलो, अपना काम हो गया अब चलते हैं, बैठो। लो जी फाइनली पहुँच गए, आई होप सो बंदर ना हो, बस बंदर तो है नहीं, पहुँच तो गए अब हम। सो बात ये है कि लैपटॉप में मैं चला रहा हूँ स्क्रीन पे अपना व्लॉग, क्योंकि जो मेरा व्लॉग है ना वो देखने में मज़ा आता है बड़ी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन का कुछ अलग ही मज़ा होता है, तो अब टीवी पे चलाते हैं अपना व्लॉग। आज हम देखते हैं आज का व्लॉग, कल वाला ये परसों वाला व्लॉग है, इसको चलाते हैं पहले। चल रहा है चल रहा है, वेट करो वेट करो। Hey guys, good morning, welcome back to Raji Vlog. गुड इवनिंग गाइज। सो आज मेरे पास मतलब कुछ टाइम पहले मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी परमा व्लॉग्स की तरफ से कि मेरे बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे है, उनको विश कर देना। सो सौर्य सिंह परमर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, आप लाइफ में सब कुछ अचीव करें जो आप करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी में अच्छी अचीवमेंट्स लें, लाइफ में सक्सेस हासिल करें, अच्छा पार्टनर मिले, पेरेंट्स का ख्याल रखें और आपको अच्छी लाइफ मिले, बुरी नज़र से दूर रहें, हमेशा खुश रहें, गॉड ब्लेस यू। अभी है चाय बनाने का टाइम, अब मैं बना रहा हूँ चाय, देन उसके बाद जाऊँगा रेनू को लेने, उसको लेके आने के बाद फिर मैं
जाऊंगा कहीं काम से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर किस काम से जा रहा हूँ। यार बाहर वहाँ सामने कितना अच्छा, मतलब बादल आ रहे हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो में ये दिख रहा है जैसा वैसा नहीं है, रियल में मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ अलग तरीके से। वीडियो में इतना अच्छा है, इसका कैमरा नहीं है, बट मैं क्या बताऊँ, सीरियसली बहुत अमेजिंग लग रहा है सामने, मैं इससे ज़्यादा जूम कर नहीं सकता। सो अभी मैं आया हूँ जिम का पता करने, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है जिम का। सो गाइज, तो अभी मैंने ये जिम देखा और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ऑफर दिखे मुझे, और अभी एक दूसरे जिम और आया हूँ मैं उसके बाहर, तो लेट्स सी अभी वो देखने जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या ऑफ़र मिलता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम। एक्चुअली वही चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, वही चीज़ सोच रहा हूँ, और जो बेस्ट होगा, जहाँ पर बेस्ट लगेगा। एक्चुअली थोड़ा बजट भी देखना पड़ेगा, बजट के अकॉर्डिंग देखता हूँ कि कहाँ पर बेस्ट रहेगा, तो लेट्स सी देखता हूँ। वो रहा जिम जहाँ पर हमें जाना है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे है जिम। सेकेंड फ्लोर पे एक्टिविटी रूम, एक्टिविटी रूम और ग्रुप क्लास जो होती है। गाइस पता है, अभी मुझे स्कूल से कॉल आया है जॉब के लिए, ऑफर किया है उन्होंने। एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ ऐसा भी है कि काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, वापस से सिस्टी जाएगी अपनी मम्मा के पास घर पर, और काफ़ी चीज़ें मतलब चेंज हो जाएगी फिर से, मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा बहुत, मतलब ऐसे मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब ऐसे ही मन कर रहा है वीडियो बनाने का, बनाता हूँ तो अब आदत सी हो गई है, तो शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। मतलब आया एक कॉल, मतलब एक तरह से मैं जॉब चाहता भी था, बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होगी फाइनेंशियली कंडीशन को लेके, खुशी भी है, लेकिन एक चीज़ वो है ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। तो अभी मुझे सिस्टी को ड्रॉप करने वापस जाना होगा घर, अभी मैं गया था जिम वगैरह का पता करने, तो अब मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, और वापस से अब जाते ही फिर उसको ड्रॉप करके आऊँगा, उसका पैकिंग वगैरह करके, देन कल सुबह से ही फिर मुझे जॉब पर जाना है। और डोंट वरी, मैं व्लॉग करना छोड़ूंगा नहीं, पूरी 100% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं व्लॉगिंग करूँ, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहना। तो आप नहीं खाओगे, मैं नहीं खाऊंगा, तो नहीं। कोई बात नहीं, खा लो आप। और मम्मी जो खाती थी जब मैं खाती थी। कोई बात नहीं, आप खा लो आज, आज मेरा खाने का मन नहीं है। अच्छा, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा हाँ, आप खाओगी जो मैं खाओगी। खा लो कोई बात नहीं, जल्दी से खाना खाओ, एक सरप्राइज है सिस्टी के लिए। कौन सा सरप्राइज है? ठीक है, जब दिखाओगे ना जो पता चल जाएगा मुझे कौन सा सरप्राइज। ओके, बस पता नहीं है मुझे, वो आप चलानी करा रही थी मुझे। हाँ, मेरा मूड ठीक नहीं था ना, इसलिए बात नहीं करा रही थी। आपका मेरी भी मुझे सिस्टी की याद आएगी। जॉब लग गई? हाँ, मेरी जॉब लग गई। मैं तो हैप्पी हूँ, हैप्पी। लग गई जॉब आपकी? हाँ, आज इंटरव्यू के लिए गया था। बताया भी नहीं? बताया भी नहीं।
तो कल शाम को ही कॉल आया था तो आज चला गया। बाय। सिस्टी को आएगी हमारी याद? आएगी पक्का। मेरे को तो तो सोच, तू तो संभालती नहीं है तो मैं रोज संभालता हूँ, मेरी क्या हालत होगी। मैं तो रोज इसका मिलाना धुलाना खिलाना सारे काम कराना, साथ में लेके घूमना। आइसक्रीम नहीं खानी आपको? आप आ गए हैं सिस्टी के नानू नानी के घर। सो गाइस, सिस्टी को ड्रॉप करके आ चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 12:30। ड्रॉप तो मैं उसको काफी देर पहले कर दिया, 10:30 बजे मैं करके वहाँ से निकल गया था। 10:30-11 हो रहे थे। अब सुबह मुझे जॉब पे जाना ही है, ज्वाइनिंग तो कल से है ही। और अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रहा हूँ, ब्लॉग एडिट करने बैठा हूँ। अभी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद अपलोड देखते हैं कल सुबह मॉर्निंग में कितने बजे ब्लॉग अपलोड कर पाता हूँ। पर मेरी कोशिश यही है कि सुबह अपलोड करके यहाँ से निकलूँ। खैर कोई बात नहीं, सिस्टी गई है तो दोबारा आ भी जाएगी। जैसे वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में इमोशन मतलब ऐसे हो जाते हैं ना कि अचानक से एकदम से जाना, अचानक से कुछ चीज़ का पता चलना, तो एकदम से ऑल ऑफ सडन माइंड ब्लॉक हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता क्या चीज़ें सही हो रही है क्या गलत हो रहा है। तो फ्यूचर के लिए तो अच्छा ही है, जॉब है, आगे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है जो मेरी इंगेजमेंट पक्की हो गई है। एक तरफ खुशी का माहौल भी है, एक तरफ थोड़ा सा मतलब ऐसा भी है माइंड। तो ये इंगेजमेंट कब है वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जितना भी है थोड़ा बहुत, चाहे जॉब के बाद चाहे जैसे भी है, मैं व्लॉगिंग डेली करूं। आप लोगों के सपोर्ट से मैं बिल्कुल कर पाऊंगा, ये भी मेरे लिए एक टास्क है और मैं इस टास्क को कम्प्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे चैलेंजेस लेने में बहुत मजा आता है। जॉब के साथ साथ मैं व्लॉगिंग करूंगा इंगेजमेंट के लिए, उसके लिए मुझे तैयारियां भी करनी है, कपड़ों की शॉपिंग है या और चीजें हैं आगे की, प्लेस वगैरह का देखना है, कहाँ पर बुकिंग करनी है, कहाँ पर क्या करना है, वो सब चीजें मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाता रहूंगा। बीच बीच में जॉब से ऑफ ले लूंगा, जहाँ कहीं भी जाना होगा तो लेट्स सी मैनेज करूंगा, क्योंकि हर चीज जरूरी होती है लाइफ में। तो हार्ड वर्क करेंगे तभी कुछ अचीव होगा लाइफ में, बिना हार्ड वर्क के दोस्तों कुछ भी अचीव नहीं होता। तो लेट्स सी देखते हैं। तो बहुत जल्दी सिंगल से मिंगल हो जाएगा सब कुछ और सिस्टी यहाँ पर हमेशा के लिए आ जाएगी, सिस्टी की मम्मा आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मेरी तरफ से ये सरप्राइज आप लोगों के लिए, और भी आगे सरप्राइज मैं दूंगा, कब है एंगेजमेंट, कौन सी डेट को है। बस सिर्फ इतना हिंट देता हूँ कि एंगेजमेंट अक्टूबर में है। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स पे बने रहे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे और भी अपडेट चाहिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। ये बहुत ज्यादा कुछ अच्छा तो नहीं है, आज सैड ज्यादा हो गया है, अच्छा तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुड न्यूज के लिए अच्छा है। तो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।